जय श्री राम। माघ मास महात्म्य कथा का 19वां अध्याय। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया, जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती हैं। उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली, जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है, ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो, अनोखी औषधि ब्रह्म बुद्धि रसायन सिद्धि अच्छे कुल की सुंदर नाड़ियाँ तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तब ही ग्रहण कर लेना चाहिए, कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियाँ, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूँगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली, जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरअपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया, तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचिनी हो गए और बस पिशाच पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस अच्छोत सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए।
वेद निधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगी कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सभी श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा। जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है, वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भराया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो, मैं उनका धर्म कहता हूँ जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।